रनआउट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। गुप्त रोगी और नींद बहुत गहरा ताल्लुक है। कई बार व्यक्ति इलाज करवा के थक जाता है, दवा खा खा के थक जाता है, फिर इलाज लागू नहीं पड़ता है। जो इलाज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उन दोनों की एक ही दिक्कत होती है, अच्छी मीठी पर्याप्त नींद का अभाव, नींद नहीं आना। इसके क्या कारण हैं, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रुग्ना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ गुप्त रोगी और नींद, इसका गहरा प्रभाव है। काफ़ी लोग दवाओं के सहारे रहना चाहते हैं तो उनके दिमाग में दवाएँ ही होती है, मन के जो सवाल होते हैं वो नहीं निकलते हैं। कई बार ये जितने गुप्त रोगी हैं, चाहे अस्मितुन से पीड़ित हों, समलैंगिकता से पीड़ित हों या शीघ्र पतन से पीड़ित हों, उन लोगों में वीर्य पतलापन की चिंताएं निरंतर होती है। जब इंसान से एक गलती होती है तो दूसरी गलती भी होना लाजमी है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो निरंतर गलतियां रहती है। और वो प्रथम गलती कहाँ हुई थी, वो तो गौण हो गई, और बाद में निरंतर अभ्यास में व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है, और चिंता होगी नींद नहीं आएगी। वैसे भी कहावत है, नींद नौ जनों को नहीं आती है, नौ में एक रोगी भी होता है। जो शारीरिक रोग से सबको ज्ञात है उसके बारे में तो लोग अनुमान लगा देंगे कि टीबी हुई है, कैंसर हुआ है, कोई दर्द है, हाथ पांव टूटे हैं, तब तो नींद नहीं आएगी। पर जो अज्ञात है, जो गुप्त है, उन लोगों को भी नींद नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है। पड़ोस में हल्का सा कोई आवाज़ हो, कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला अगर माचिस भी जलाए तो नींद खुल जाती है, कुत्ता भी भौंक जाता है तो नींद खुल जाती है, बार बार नींद खुलती है, नींद आती है, दिन खराब हो जाता है नींद से। तो उसका कारण यही है कि उन्हें जो लिया गया आहार है, हो सकता है वो अत्यधिक हो, शाम का भोजन जो आपको नहीं करना है, जो गैस वाले भोजन हैं, तो आप उसे प्रतिबंध करने के बजाय स्वाद की नज़र से खाते रहते हैं, तो भोजन का भी इसमें काफ़ी अंतर है। और चिंताएं जो करेंगे तो निश्चित चिंता से काफ़ी बीमारियां बढ़ती है, बीपी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, यहाँ तक कि टीबी भी हो जाती है। तो आप बचें इस प्रकार से, अगर कोई प्रकार की चिंता है। अब चिंता कैसे दूर करें, हर इंसान के अलग अलग सवाल होते हैं, जब तक आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक आप उससे दूर नहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ पे कोशिश यही करनी है कि अच्छे काउंसलर या आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हों, माता पिता हों, उनसे सलाह कीजिए। उनसे सलाह लेंगे तो काफ़ी आपका मनोबल मजबूत होगा और मन का भार है वो कम हो जाएगा। विचारों के द्वंद्व और भार इतने होते हैं कि उसकी वजह से नींद नहीं आती है। कुछ बातें आपके मन में इतने सवाल होते हैं कि एक सवाल के ऊपर सवाल, जब वो हल्के नहीं होंगे और उनके उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक आप सिर्फ दवा खाएंगे ठीक नहीं होगा। कुछ नशीली दवाएं होती है जो नशा करने पर ही आपको आदि करेगी और निरंतर नशे की गोलियां की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप नेचुरल फूड पे रहो, नेचुरल आहार पे रहो, और जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो आप अच्छा अन्न खाएंगे तो आपका मन भी अच्छा होगा, नींद भी अच्छी आएगी। हो सकता है आपको इसमें प्राणायाम करने की ज़रूरत है, आपको क्या क्या सुझाव की ज़रूरत है, तो अच्छे मनोवैज्ञानिक से संपर्क कीजिए, अच्छे सुझाव लीजिए, जिससे आपकी जीवन शैली अच्छी बन जाए और आपके जो तनाव की वजह से, चिंता की वजह से नींद नहीं आती है, उस नींद को आप ले सकें। ऐसा क्या भोजन है जो आपको नींद में भी बाधा दे, तो वो आप रोक सकते हैं। भोजन सुधार करेंगे तो शाम को गैस्ट्रिक वगैरह नहीं होगी तो भी नींद आराम से आएगी। कई बार ये भी देखा है कि खाना हजम नहीं होता है, उसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।